एक एलआईसी एजेंट को कैसा बीमा नहीं करना चाहिए, एक एलआईसी एजेंट को कैसे बीमा छोड़ देना चाहिए, एक एलआईसी एजेंट को कैसे बीमा के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इस वीडियो में ये बात करूंगा। और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एक एलआईसी एजेंट को कैसे बीमा छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे आग्रह करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मित्रों, एक इंश्योरेंस एजेंट बीमा तो खोजता रहता है, फील्ड में जाता रहता है, फील्ड में मूवमेंट करता रहता है, उसे तरह तरह के लोग भी मिलते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से कुछ ऐसे बीमा होते हैं जिनको एजेंट को नहीं करना चाहिए। जैसे ज्यादा जोखिम वाले बीमा जो होते हैं उसको नहीं करना चाहिए। एक बार मैं बीमा करने गया, वहां मुझे लगा कि इस बीमा में ज्यादा जोखिम है। क्यों? क्योंकि मुझे बुलाया गया था, मुझे कॉल करके बुलाया गया था, तब मैं गया था। मैंने देखा जिस आदमी का बीमा करना है वह एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, और मुझे आग्रह किया गया कि बीमा कर दीजिए। मैंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं सर, ऐसे कंडीशन में बीमा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, पहले उसका कारण समझिए। कारण कि अगर अर्ली क्लेम होता है तो इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होगी तो निश्चित तौर से आपसे जवाबदेही मांगी जाएगी कि ऐसे कंडीशन में क्यों बीमा किए, ऐसे कंडीशन में इस आदमी का बीमा कैसे हो सका, जबकि फॉर्म में आपने साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं या पिछले 3 सालों के अंदर आपने कभी इलाज कराया है, वहां तत्काल लिखना पड़ता है नहीं। अगर हाँ लिखते हैं तो इसे बीमा नहीं होगा, तो आप बीमा पास कराने के चक्कर में वहां ना लिखते हैं, और ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है। तो ऐसे बीमा को कतई नहीं करना चाहिए, ऐसे बीमा को छोड़ देना चाहिए जिसमें आपको हेजार्ड दिखे, जिसमें आपको जोखिम दिखे, जिसमें आपको लगे कि यह आदमी जानबूझ के बीमा का फायदा उठाना चाहता है, यह आदमी जानबूझ के क्लेम लेना चाहता है, यह आदमी जानबूझ के अपने बीमा करा के परिवार को पैसे दिलवाना चाहता है, क्योंकि उसको पता हो गया है कि वह अब नहीं रहेगा, उसको ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है कि उसका जाना तय है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको आभास लगता है कि ऐसा बीमा है जिसमें कि ये आदमी नहीं बच सकता है, इस आदमी का इलाज में मृत्यु होना ही है, इस आदमी को बचाया नहीं जा सकता है, ऐसे कंडीशन में उस आदमी का तो बीमा कतई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको तत्काल तुरंत ना नहीं कह सकते हैं तो फॉर्म भर लीजिए, हो सकता है आपको ऐसा दबाव हो कि आप तत्काल में ना ना कह पाए, या ना कहने पे आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव दिया जा सके, तो तुरंत आपको ना नहीं करना है, लेकिन फार्म भर के धीरे से निकल लेना है, बाद में उसके पैसे उसके फार्म वापस कर देने, सर बीमा पास नहीं हो पाया, ये दिमाग लगाना है। तो जहां खतरे वाले बीमा हो, जोखिम वाले बीमा हो, या जोखिम दिख रहा हो, जानबूझ के ऐसे बीमा कतई नहीं करना है। दूसरा कंडीशन है प्रस्तावक की उपलब्धता न होने पे। कभी कभी हम लोग बीमा करने जाते हैं, पिता कहता है बेटे के नाम से कर दीजिए, पता चलता है कि बेटा तो बाहर है, बेटा तो मुंबई में कमा रहा है, बेटा तो गुजरात में कमा रहा है, बेटा तो घर से बाहर है, आएगा भी तो 6 महीने के बाद आएगा, और पिता दबाव बनाता है कि नहीं बीमा कर दीजिए, बीमा कर दीजिए। ऐसे कंडीशन में अगर प्रस्तावक की उपलब्धता न हो, प्रस्तावक आपके समक्ष न हो, साइन नहीं कर रहा हो, तो बीमा करना उचित नहीं है। हाँ, आजकल आनंदा का प्लेटफॉर्म है, अगर आनंदा से आप बीमा कर सकते हैं, ओटीपी मंगा के आधार कार्ड लेके अगर बीमा कर सकते हैं तो दैट इज फार बेटर। बट आप अगर साइन से बीमा करते हैं, फार्म भर के बीमा करते हैं, तो जहां सिग्नेचर कराना है वहां असली सिग्नेचर ही जरूरी है। वहां प्रस्तावक की उपलब्धता न होने के कंडीशन में आप बीमा को टाल दीजिए, बीमा को मत कीजिए, ये आपके फायदे के लिए होगा। तीसरा टाइप का बीमा होता है कि अगर किसी प्रकार के झगड़े या वाद विवाद की स्थिति है तो वहां कोई पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक आदमी का मैं बीमा करने गया था, वहां उसकी दो पत्नियां थी, और मुझे जहां तक पता चला कि दोनों पत्नियां आपस में रोज झगड़े करती थी। मुझे लगा कि ये नामनी किसको बनाएगा, अगर 50-50 भी बनाता है तो लीगल होगा कि अनलीगल होगा, इसकी दोनों शादी लीगल हुई है कि अनलीगल हुई है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, मैंने कहा सर
फार्म तो मैं भर लेता हूं, लेकिन अधिकारी हमारे जैसे आदेश करेंगे उसके हिसाब से होगा। मुझे लगा कि हो सकता है एक पत्नी लालच के चक्कर में, लालच में आकर पति को कुछ ऐसा चीज खिला दे, कुछ ऐसे खतरे वाली चीज पे भेज दे, या फिर कुछ ऐसे कुछ कांड हो जाए कि उसको लाइफ गंवानी पड़ जाए और बीमा का क्लेम जल्दी ही दिलवाना पड़ जाए, या लालच में आके किसी प्रकार की जोखिम उत्पन्न होने की संभावना दिखी, मैंने उस बीमा को भी मना कर दिया। हालांकि दबाव की स्थिति में मैंने फार्म भरा, लेकिन 2-4 दिन बाद फार्म और पैसा तुरंत वापस कर दिया। मुझे पता था कि अगर मैं यहां ना करूंगा तो मेरी छीछा लेदर होगी, मेरी बुराई लोग करेंगे, इसलिए मैंने अपने उच्च अधिकारियों पर टाल दिया, उनको सामने रख के मैंने मना कर दिया। ये होता है, यही करना पड़ता है। तो इस तरीके का अगर बीमा आपको भी मिले तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, इसको नजरअंदाज करने की कोशिश करिए, या इससे बचिए, ये आपके एजेंसी के लिए खतरा हो सकता है। एक टाइप का और बीमा होता है जिसमें नामनी नहीं देते हैं लोग, जैसे कि किसी की एज 40 साल है, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, बच्चे भी नहीं है, माता पिता की भी डेथ हो चुकी है, नामनी कोई नहीं है, वह मामा के लड़का को नामनी बनाता है, फूफा के लड़का को नामनी बनाता है, वह किसी और को नामनी बनाता है, लेकिन उसका लीगल नामनी कोई नहीं होता है, लीगल वारिस कोई नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में उस आदमी का बीमा करना खतरे से खाली नहीं है। जिसको नामनी बनाया जाएगा, हो सकता है पैसे के चक्कर में, हो सकता है वह डेथ क्लेम के चक्कर में, हो सकता है वह किसी लालच में उस आदमी के ऊपर खतरा पैदा कर दे, इसलिए ऐसे आदमी का कतई बीमा नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बीमा करने का कोई बड़ा पर्पज हो तो ठीक है कि हाँ मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे जीते जी इतना पैसा बचाना है। पैसा बचाने के लिए बहुत संसाधन उपलब्ध है मित्रों, हम राय दे सकते हैं, लेकिन बीमा एक ऐसी चीज है जिसको अपने बाद अपने पीछे वालों को पैसे छोड़ के, रकम छोड़ के जाया जाता है, और पीछे अगर कोई लेने वाला ही नहीं है, पीछे कोई नामनी ही नहीं है, पीछे कोई ऐसा है ही नहीं है कि आपके जाने के बाद रोए, आपके जाने के बाद उसको आर्थिक संकट आए, तब तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे कंडीशन में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बड़ी सूझबूझ के साथ बीमा करना चाहिए। संभव हो तो ऐसे बीमा को नजरअंदाज कर देना फार बेटर होगा। और नेक्स्ट, जो गैर कानूनी हो, जो गैर कानूनी हो, अनलीगल हो, ऐसे बीमा नहीं करना चाहिए। आपको पता चल गया कि यह आदमी बैल का कारोबार करता है, आपको पता चल गया कि यह आदमी अनलीगल काम करता है, आपको पता चल गया कि ये आदमी असंवैधानिक काम करके पैसा कमाता है, ये आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आदमी घूस लेता है, या ये आदमी आतंकवादी गतिविधियों से संबंध रखता है, ऐसे कंडीशन में उस आदमी का बीमा ना करें तो फार बेटर है, बचिए। ऐसे कंडीशन से बचेंगे, आपकी एजेंसी बड़ी वैल्यूएबल है। आज हो सकता है आप 10,000 महीना कमाते हो, आज हो सकता है आपका 50,000 कमीशन आता हो, आज हो सकता है साल में आप 1-2 लाख कमाते हो, लेकिन कभी ऐसा होगा कि इसी एजेंसी से आप 50 लाख कमा सकते हैं, 1 करोड़ रुपया साल में कमा सकते हैं। तो इस एजेंसी की वैल्यू समझिए, इसको भरी भांति अच्छे से सुचारू पूर्वक संभाल के रखिए, इसको रिस्क में मत डालिए। आपकी एजेंसी आपके लिए बट वृक्ष है, इससे जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन इसको खतरे में मत डालिए, इससे बचिए। ऐसे बीमा को कतई मत करिए जो आपके एजेंसी के लिए लाल स्याही लगाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करे, जो आपकी एजेंसी के लिए भविष्य में खतरा हो सके। ऐसे बीमा अवॉइड करिए, ऐसे बीमा से बचिए। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो निश्चित तौर से हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक भी किए होंगे, बेल आइकन भी ऑन किए होंगे और अपने साथियों में शेयर भी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इस वीडियो से काफी कुछ मिला होगा, निश्चित तौर से आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, बस आपका प्यार और सहयोग बना रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।